सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज शरद एंड यू आर वॉचिंग जराड गोम। सो आज हम लोगों के पास गाइज दो गाड़ी है। दिस इज द मतलब दो गाड़ी मतलब क्या सेम गाड़ी है बट दो वेरिएंट है। सो एज यू ऑल नो बोथ आर द 2023 मारुति बलेनो। ये जो वेरिएंट है दिस इज द जीटा वेरिएंट और ये जो वेरिएंट है दिस इज द एकदम टॉप वेरिएंट विच इज द अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन। ये फिलहाल ऑटोमेटिक है बट फिर भी गाड़ी में तो फीचर सेम है, सो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सो आज मेरे चैनल पे गाइस इन दोनों का मैं कंपैरिजन दे दूंगा, सो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा गाड़ी आप लोगों के बजट में ज़्यादा फिट होगा। सो कीप इन माइंड ये जो गाड़ी है इसका प्राइस है एक शोरूम 8.39 लाख और इसका एक शोरूम प्राइस है 9.33 लाख। सो तकरीबन 1 लाख का डिफरेंस है। सो 1 लाख में ऑब्वियसली अल्फा तो एकदम टॉप वेरिएंट है, बहुत कुछ आपको मिल जाता है। सो क्या क्या आपको मिल जाता है मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। सो और एक चीज़ गाइस, आज मैं आया हूँ नेक्सा साइंस सिटी पे विच इज़ सिचुएटेड नियर एटमोस्फियर बिल्डिंग। सो वो है एटमोस्फियर बिल्डिंग एज यू कैन सी। सो अगर आपको कोई भी मारुति का गाड़ी चेकआउट करना है, ये जो सब है ऑर्डर भी प्लेस करना है, बुक करना है, देन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप मुझे उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ में हेल्प कर दूंगा। सो चलिए फिलहाल अभी बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। सो फ्रंट प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ गाइस, दोनों का फ्रंट प्रोफाइल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स मिलता है जीटा वेरिएंट, बट इसमें आपको एज एन एक्सेसरी ये फिटेड हुआ है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं आता है। सो ये एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है बट अल्फा वेरिएंट में आपको आ जाता है फॉग लैंप्स, दोनों आपका यहाँ पर एलईडी है। सो अगर आप जीटा वेरिएंट लेंगे देन आप फॉग लाइट्स एज एन एक्सेसरी फिट कर सकते हो। यहाँ पर हेडलाइट यूनिट जो है दोनों का सेम है। सो यहाँ पर आपको DRL मिलता है, दैट इज योर टर्न इंडिकेटर फिनिश्ड इन हैलोजन। दोनों में आपको यहाँ पर LED सेटअप मिलता है, सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको ऑटो हेडलाइट्स भी मिल जाता है बट जो मेजर डिफरेंस है वो है यहाँ पर। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो अल्फा वेरिएंट है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है जो कि आपका जीटा वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। क्रोम लाइनिंग आपको दोनों में मिलता है, सो उसमें कोई डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। सो ये था फ्रंट के बारे में, अभी चलते हैं गाइस साइड प्रोफाइल में। सो साइड प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ गाइस, जो मेजर डिफरेंस आपके आंखों में लगेगा वो है इसके व्हील्स पे। सो एज यू कैन सी यहाँ पर भी आपको अलॉय मिलता है, यहाँ पर भी आपको अलॉय मिलता है, बट ये नॉर्मल फिनिश अलॉय आपको जीटा वेरिएंट पे मिलेगा बट अल्फा वेरिएंट में आपको डायमंड कट ट्रीटमेंट मिलता है। सो आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस। डिस्क ब्रेक तो दोनों गाड़ी में है एंड टायर का जो प्रोफाइल है दैट इज 195/55/R16। सो दोनों में टायर प्रोफाइल सेम है, 16 इंच का टायर आपको जीटा वेरिएंट पे भी मिलता है एंड अल्फा वेरिएंट में भी आपको 16 इंच का ही टायर मिलेगा। और एक जो मेजर डिफरेंस है वो है यहाँ पर। सो ये आपका ORVM है एज यू नो, बट यहाँ पर आपको कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर कैमरा प्लेस किया हुआ मिलेगा ऑन दी अल्फा वेरिएंट। तो बाकी जो है लगभग सेम है बट और एक जो मेजर डिफरेंस है वो है कि आपका जो अल्फा वेरिएंट है उसमें आपको UV कट ये ग्रीन कलर का ग्लास मिलता है जो कि आपका जीटा वेरिएंट पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोनों तरफ आप देख सकते हो क्रोम पे डोर हैंडल मिलता है, गाड़ी का जो बेल्ट लाइन है दोनों में आपको क्रोम पे मिलता है, पीछे भी यहाँ पर ये उठ जाता है ऊपर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऊपर उठ जाता है। सो उसमें भी आपका सेम है, पीछे आपको दोनों में ड्रम ब्रेक मिलता है। सो ये था गाइस साइड प्रोफाइल के बारे में, अभी चलते हैं गाइस रियर प्रोफाइल पे। सो रियर प्रोफाइल पहले बात करते हैं गाइस जीटा वेरिएंट पे। सो यहाँ पर एज यू कैन सी आपको कैमरा मिल जाता है, सुजुकी का लोगो है, बलेनो का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ऑल LED ट्रीटमेंट आपको मिलेगा ऑन योर पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट, आपका टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट आपको हैलोजन में मिलेगा। पीछे आपको यहाँ पर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप और वॉशर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका रिफ्लेक्टर। बूट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर आपको मिल जाता है। सो पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर 60-40 स्प्लिट आपको मिलता है, यहाँ पर आपको बूट लैंप भी मिल जाता है फिनिश्ड इन हैलोजन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर बूट लैंप नहीं है बट यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है दोनों तरफ। बूट स्पेस तो सेम है, उसका कोई डिफरेंस है नहीं, बट हाँ एक चीज़ है लोडिंग लिप आपको बहुत सारा मिलेगा। सो अगर आप थोड़ा आपको चीज़ें उठा के रखना पड़ेगा, यहाँ पर पार्सल शेल्फ भी आपको मिल जाता है। सो ये था जीटा वेरिएंट का बूट। अभी जो अल्फा वेरिएंट है इसमें भी लगभग पीछे सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपका कैमरा है पीछे, वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, आपको यहाँ पर एंटेना भी मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको सेम फिनिश मिलता है टेल लाइट्स में, आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलता है। इसका बूट एक बार चेकआउट कर लेते हैं गाइस। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर है, पासे शेल्व आपको मिलता है बट अभी आप ये फिटेड नहीं हुआ है यहाँ पर, बट ऑब्वियसली आपको पासे शेल्व मिलेगा 60-40 है। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, एज यू कैन सी आप देख सकते हो पासे शेल्व यहाँ पर है एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आपको बूट लैंप मिलेगा जो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो एज पर योर चॉइस एंड दोनों तरफ आप देख सकते हो। सो बूट स्पेस इज सेम, यहाँ पर भी आपको लोडिंग लिप सेम सा मिलता है, कोई भी उसमें डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सो ये था गाइस दोनों का बूट और रियर प्रोफाइल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि रियर प्रोफाइल का क्या ओपिनियन है आपका। सो अभी चलते हैं गाइस रियर सीट पे। सो बलेनो सीटा का अगर रियर डोर में देखूँ देन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये लेदरेट फिनिश मिल जाता है ब्लू कलर में, यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट मिल जाता है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे इस गाड़ी में एक्सेसरीज फिटेड हुआ है। सो ये सीट कवर है, दिस इज ऑल्सो एज एन एक्सेसरी, बट इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलता है।
थ्री एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है, कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बीच में आप देख सकते हो एसी वेंट्स आपको मिलता है विद टू यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स एंड ब्लोअर कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो रूफ है दिस इज फिनिश्ड इन व्हाइट कलर विद अ हैलोजन रीडिंग लैम्प देयर। सो दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द बलेनो जीटा। अभी चलते हैं रियर प्रोफाइल देखते हैं बलेनो अल्फा का। सो यहाँ पर इसका डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इंटीरियर सेम मिलता है, यहाँ पर भी आपको लेदर हेड फिनिश मिलता है, ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट है, यहाँ पर आपको सेम फैब्रिक फिनिश मिलता है। आप सीट कवर जरूर पहनाइए एज पर योर विश, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल हेडरेस्ट है, बट अभी ये प्री अपडेटेड गाड़ी है, सो अपडेटेड गाड़ी में आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिल जाएगा तीनों के तीनों। सो कोई भी उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। सो आप कमेंट सेक्शन में मत बोलिए कि नहीं तीन हेडरेस्ट नहीं है, दो है, एक्चुअली तीन ही अभी मिलता है। ये फिलहाल प्री अपडेटेड जो बलेनो है वो गाड़ी है, बट फीचर्स वाइज सब सेम है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट इसमें भी नहीं मिलता है। बीच में आप देख सकते हो इसमें भी आपको मिल जाता है दो एसी वेंट्स, नीचे आपका ब्लोअर कंट्रोल एंड दो टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट। एंड इसका जो रूफ है यहाँ, ये भी आपका व्हाइट कलर में है एंड ऊपर आपको हैलोजन में रीडिंग लैम्प मिल जाता है। सो ये था गाइस रियर प्रोफाइल के बारे में, मतलब रियर सीट के बारे में। सो आप मुझे ज़रूर बताइए कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा। सो चलिए गाइस अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो गाइस अभी मैं अंदर आ गया हूँ बलेनो अल्फा के इंटीरियर में। सो आप यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस आप देखेंगे वो है ये टच स्क्रीन। सो यू गेट द स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम ऑन दिस कार। सो एज यू नो सुजुकी कनेक्टेड कार टेक आपको मिल जाएगा, उसमें भी आपको सेम मिलता है बट उसमें छोटा सा स्क्रीन है, दैट इज द स्मार्ट प्ले प्रो। ये आपका प्लस सिस्टम है, सो ऑब्वियसली इसका टच रिस्पॉन्स तो कोई आपको दिक्कत देगा नहीं, वेरी वेरी गुड यूनिट। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है, सो जीटा वेरियंट आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएगा। ऑटो एसी आपको इस वेरियंट में मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो ये एएमटी वेरियंट है। सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, फीचर्स वाइज सेम है। और एक जो मेजर डिफरेंस है वो है यहाँ पर। सो एज यू कैन सी अल्फा वेरिएंट में आपको ये एचयूडी मिल जाता है जो कि आपको जीटा वेरिएंट में नहीं मिलता है, एंड 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है जो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। सो एज यू कैन सी आपका 360 व्यू है, सो यहाँ पर बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हो एज पर योर विश, बहुत सारा व्यूज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू योर विश। सो ये जो मेजर डिफरेंस है वो आपका 360 डिग्री कैमरा और एचयूडी में है। एंड स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो इसमें आपको लेदरेड फिनिश मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील में, एंड नीचे आपको ये ग्रे इंसर्ट भी मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पर इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स दोनों में आपको सेम मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप देख सकते हो, क्लासिक मारुति का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। सो लेट मी नो गाइस आपको अल्फा वेरिएंट का इंटीरियर कैसा लगा, एंड अगर आप बलेनो ओन करते हो, अल्फा वेरिएंट ओन करते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या अभी तक रिस्पॉन्स आया है। सो गाइज अभी मैं अंदर हूँ ऑन द बलेनो जीटा वेरिएंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यू गेट द स्मॉलर स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम ओवर हियर, जैसे कि मैंने आपको बोला था इसमें भी आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, कनेक्टेड कार्टेक भी मिलेगा, बट स्क्रीन थोड़ा छोटा है। गाड़ी का सब इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दिखा देता है, सो दैट इज प्रीटी गुड। ऑटो एसी आपको इस वेरिएंट में भी मिलेगा। अनदर डिफरेंस इज द स्टीयरिंग व्हील। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो स्टीयरिंग कवर पहनाया हुआ है, बट यहाँ पर आपको नॉर्मल से स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कोई लेदर फिनिश आपको नहीं मिलेगा, लाइक अनलाइक द अल्फा वेरिएंट ओवर देयर। यहाँ पर एज यू कैन सी आपको कोई एचयूडी नहीं मिलेगा और 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो आइडल सिस्टम ऑन ऑफ करने के लिए, एंड आपका फॉग लाइट का बटन आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम मिलता है, अल्फा वेरिएंट में आपको ऑटो डिमिंग मिलेगा, यहाँ पर आपको हैलोजन में रीडिंग लैम्प मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइजर में आपको मिलेगा एक मिरर, बट कोई लाइट नहीं है, एंड यहाँ पर आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलता है, कोई मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। अनदर गुड थिंग इज दैट इस वेरिएंट में भी आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएगा, सो दैट इज प्रीटी गुड। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द मैनुअल वेरिएंट, एएमटी में भी ये गाड़ी अवेलेबल है, सो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है गाइस, कोई डिफरेंस आपको दोनों में नहीं मिलेगा, सो ये आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। सो एज यू कैन सी पावर, टॉर्क, एक्सेलरेशन सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, सो दैट इज प्रीटी गुड। सो गाइस दिस वॉज माई डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द बलेनो डेल्टा वेरियंट। सो आप मुझे जरूर बताइए आपको कौन सा इंटीरियर बेटर लगा एंड मोर वैल्यू फॉर मनी लगा, जीटा का इंटीरियर या फिर अल्फा का इंटीरियर, मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो गाइस दिस वाज माय डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन द बलेनो जीटा वेरिएंट एंड द बलेनो अल्फा वेरिएंट। सो आप मुझे जरूर बताइए आपको कौन सा वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड बेटर लगा। अगर आपका बजट बिटवीन 10 लाख है और 10.5 लाख है, देन आप जरूर इस वेरिएंट पे जा सकते हो बलेनो जीटा, क्योंकि इन माय ओपिनियन अगर आप बलेनो में जा रहे हो देन दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, द जीटा वेरिएंट। एंड अगर आपको फुल ब्लोन सब कुछ फीचर्स आपको चाहिए, देन आप ज़रूर बलेनो अल्फा में जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। सो दैट इज टोटली अकॉर्डिंग टू योर विश। सो आप मुझे ज़रूर बताइए मेरे कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा वेरियंट ज़्यादा पसंद आया, एंड अगर आपके पास बजट उतना है देन आप कौन सा वेरियंट आप लेंगे। So that is me signing off for today guys. I will definitely see in my next one. Do subscribe, like and share this video, and that is all for me for today. Ciao.